हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अक्षर एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर, एज ए मैथमेटिक्स टीचर। चलिए, आपको आपके अपना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला को एक साथ एकत्रित करके एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आप सब सभी लोग तैयार हो जाए। एक वीडियो आप लोग के बीच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग के बीच चर्चा करेंगे, जो हम कई वीडियो में इस चीज को बता रहे थे लेकिन सही ढंग से वीडियो नहीं चल पा रहा था, इसलिए जल्द में इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डोमेन, साथ में रेंज। डोमेन को हिंदी में प्रांत या क्षेत्र कहते हैं, रेंज इसे हिंदी में कहते हैं परिसर या प्रास। तो देखिए, बाय और साइन इनवर्स को हम लोग बाय और साइन इनवर्स के जो मुख्य मान सत्ता होता है, रेंज होता है, जब माइनस फाइव बाई टू लेस देन इक्वल बाय और लेस देन इक्वल फाइव बाई टू। याद रखेंगे कि जो आपका साइन का रहेगा वही आपका टैन का भी रहेगा, लेकिन फासला सिर्फ रहेगा कि लेस देन इक्वल नहीं रहेगा। और जो बच्चा ए समझ जा रहे हैं, समझ लीजिए कि टू कॉपी आपका कॉसेक का भी रहेगा, लेकिन कॉसेक में सिर्फ फासला ये रहेगा कि बाई नॉट इक्वल टू जीरो, बाई का मान जीरो नहीं होगा, बाकी सभी होगा। इसी तरह अगर हम लोग कहेंगे कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान सत्ता होता है, तो जीरो से बड़ा और बराबर, पाई से छोटा और बराबर। एक बात और कंफर्म आप हो जाए कि जो बच्चा कॉस को याद कर लिया, इसका मतलब कि वो बगल में आपको कॉट को भी याद कर सकते हैं। जो बच्चा कॉस को याद कर लिया, इसका मतलब उनको कॉट का याद हो गया। और जो बच्चा देखिए, वन सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ देखिए, मैं बोल रहा था कॉस, तो जो बच्चा को कॉस याद हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सीधे तौर पर यहां पर थोड़ा सा रिप्लाई में बताना पड़ेगा कि साइन इनवर्स है माइनस फाइव बाई टू से लेकर फाइव बाई टू। तो देखिए, साइन का है वही आपको मैं बोला था कि टाइम के होगा, और जो आपका साइन का होगा वही आपका कॉसेक का होगा, लेकिन फासला इसमें आपको क्या होगा कि इसमें लेस देन इक्वल नहीं होगा और इसमें बाई नॉट इक्वल टू जीरो। और आप अगर देखेंगे कि कॉस वाला, तो जो बच्चा आपको समझ में आ रहा हो कि कॉस का है वही आपका कॉट का मिलेगा, यानी जो आपका कॉस का है वो आपका कॉट का मिलेगा। और जो बच्चा आपको कॉस का याद है, इसका मतलब वो याद कर सकते हैं सेक का भी। तो आपका डायग्राम भी समझने के लिए बता दिए। तो याद रखें, साइन टाइम कॉसेक, साइन टाइम कॉसेक सेम ही रहेगा, लेकिन याद रखेंगे टैन में लेस देन इक्वल हटाना रहेगा और कॉसेक में वाई नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। कॉस कॉट सेक एक रहेगा, तो कॉस का जो है वो भी सेक का ही है, लेकिन फासला रहेगा कि सेक में वाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और कॉट में आपका लेस देन इक्वल हट जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा साइन टैन कॉसेक, टैन में लेस देन इक्वल हटा के और कॉसेक में बाई नॉट इक्वल टू जीरो। फिर कॉस कॉट सेक एम होगा, कॉस कॉट सेक एक अर्गन होगा, लेकिन याद रखे कॉट में इक्वल हटा के और सेक में पाई बाई टू हटा के, एक आपका जनरल याद कर लेना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपके स्क्रीन पे अगर आता है तो इसको बोलेंगे रेंज को माइनस वन लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल वन। यहां एक्स होगा, यहां वाई होगा, फासला याद रखिए। माइनस वन लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल वन होगा। टाइम को अगर कहें तो पूरा रियल नंबर लेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। अगर मैं बोलूं कॉट करते यही आपका हो, सेक इनवर्स के कहेंगे तो एक्स लेस देन माइनस वन होगा, या इसी चीज को बोल सकते हैं या एक्स ग्रेटर इक्वल वन होगा, यानी एक्स लेस देन इक्वल माइनस वन ये भी होगा, और याद करके लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन। तो ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको बहुत कम मात्रा में यूजफुल हम पढ़ते हैं, यूजफुल होता है। 10 प्लस 2 क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए इसको बहुत कम मात्रा में काम आएंगे, सबसे ज्यादा इसी को काम लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आईटीएफ का डोमेन और रेंज आप लोग को क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। विशेष पहले रेगुलर कोर्स और क्रैश कोर्स में इसे साबित करके बताया था, तो देखा जाए। नेक्स्ट अगर हम पेज की बात करेंगे तो अगला हम लोग को क्या आएगा, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टियां की ओर। तो चलिए, प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी
और प्रॉपर्टी नंबर वन में हम चले, प्रॉपर्टी नंबर वन में चले, ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर वन में याद रखेंगे आप, सिंपल सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लिखाएंगे कि अगर साइन रहेगा और साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो याद रखे एक्स होगा, अगर मैं कहूंगा कॉस और कॉस इनवर्स एक्स तो आपका एक्स हो जाएगा, अगर मैं आपको कहूंगा टैन टैन इनवर्स एक्स तो आपका रिजल्ट एक्स हो जाएगा, अगर मैं कहूंगा कॉट कॉट इनवर्स एक्स तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे एक्स, और उसी तरह हम अगर कहते हैं सेक और सेक इनवर्स एक्स तो रिजल्ट याद रखेंगे एक्स, और अंतिम में अगर मैं कहूंगा कि कॉसेक कॉसेक, अगर मैं आपको कह दूंगा कॉसेक और साथ में बोल दूंगा कॉसेक इनवर्स एक्स तो याद रखेंगे कि एक्स होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन में आप याद रखेंगे साइन साइन इनवर्स एक्स तो एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स को एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स को एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स को एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स को एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स को एक्स होगा। ये जनरेटिव डिफाइन तभी होता है जब ये अपना रेंज को सेटिस्फाई करता है तभी ये फॉर्मूला लॉन्च किया जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग वन देखें, अब जरा सा हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू शॉर्ट में लिख के चलेंगे पी टू, यानी प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू में इनवर्स को आगे कर दे, फंक्शन को पीछे कर दे। आप सभी लोग जानते होंगे कि इनवर्स का दुनिया में कोई भी सवाल बना तो मात्र दो प्रकार से बना, या तो इनवर्स अंदर है तो त्रिकोणमिति बाहर है, और त्रिकोणमिति अंदर है तो इनवर्स बाहर। तो इसी आधार पर अगर इनवर्स को हम बाहर कर दे तो आपके स्क्रीन पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स तो रिजल्ट होगा एक्स, अगर मैं कह दूंगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो रिजल्ट होगा एक्स, अगर मैं कहूंगा टैन इनवर्स टैन एक्स तो आपका रिजल्ट हो जाएगा एक्स, अगर मैं आपको कह दूंगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो आपका रिजल्ट होगा एक्स, अगर मैं आपको कह दूंगा सेक इनवर्स सेक एक्स तो आपका रिजल्ट हो जाएगा एक्स। उसी तरह आप याद रखेंगे कॉसेक इनवर्स, अगर मैं कह दूंगा कॉसेक एक्स तो इस तरह से इसका रिजल्ट होगा एक्स। तो एक जनरली आप सभी लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला खास करके बहुत मोड पर हर मोड पर ये फॉर्मूला लॉन्च होता है, तो प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू हम उम्मीद करते हैं सभी लोग को याद हो गया हो। अब अगर हम विचार करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर तीन क्या होता, तो प्रॉपर्टी नंबर अगर तीन पे अगर हम बात करें तो जब जनरल फॉर्मूला एक लेके चलेंगे कि साइन इनवर्स एक्स अगर कहेंगे तो सीधे सीधे बोले कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, अगर मैं आपको कह दूंगा कॉसेक इनवर्स एक्स बताओ हुआ तो सीधे सीधे बोलना साइन इनवर्स वन बाई एक्स, यानी उलट दिया जाता है कॉसेक साइन इनवर्स एक्स तो कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स। इसी आधार पर अगर मैं आपको कहूंगा कि बोलो तो छोटू कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, तो कॉस तो उल्टा आप पढ़ेंगे सेक, तो हो जाएगा सेक इनवर्स वन बाई एक्स, वन सेकेंड सेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूंगा सेक इनवर्स एक्स बताओ कहूंगा तो आप बोलना सीधे सीधे कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, यस या नो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बताओ कहूंगा कि टैन इनवर्स एक्स के मतलब क्या होता है तो कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, अगर मैं कह दूंगा कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बबुआ तो टैन इनवर्स वन बाई एक्स, यानी आपको एक फॉर्मूला बन गया साइन से उल्टा कॉस है तो साइन इनवर्स एक्स पूरा कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स, कॉस इनवर्स एक्स तो सेक इनवर्स वन बाई एक्स, सेक इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, टैन इनवर्स एक्स तो कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स तो टैन इनवर्स वन बाई एक्स। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अगर फॉर्मूला आपको आएगा कहीं बोर्ड में तो आप लोग तैयार है बना लीजिएगा, और हर वक्त तो नहीं लेकिन हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा बोर्ड में, समझो इस लेवल का क्वेश्चन आपको छपा हुआ है तो आप तैयार हो जाए, ये शॉर्ट स्क्रीन लेकर बढ़िया से इसको फॉर्मूला कॉपी में बना ले और याद कर ले, बेस्ट ऑन फॉर्मूला बेस्ट ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग फॉर्मूला को प्रिपरेशन अच्छी ढंग से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको 75 प्लस मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और थोड़ा सा बहुत ही बेहतर ढंग से मेहनत अभी से लगातार कंटिन्यू डेढ़ घंटा दो घंटा मैथ पर भी काम करते हैं तो 90 प्लस अंक आपको आ सकता है, हमारे साथ निरंतरता के साथ
प्रत्येक दिन बनेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि आप प्रॉपर्टी नंबर तीन तक का जो भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया हो, ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता है एक बात और मैं बता दूं, रेनो और टैस के तुलना में थोड़ा ये फास्ट रहेगा। साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में होता है, टैन इनवर्स में होता है, कॉट इनवर्स एक्स में होता है, लेकिन करने के बाद तो इसको सभी निष्पत्तियों में कन्वर्ट फॉर्मूला किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इस स्लाइड को पेज से आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, बहुत खास है ना। तो चलिए आपके बीच में स्क्रीनशॉट बाद में अपना ले लीजिएगा। तो अब हमारे पास आ जाइए, हमने अभी आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टी नंबर तीन तक बातचीत किए हैं, प्रॉपर्टी नंबर चार यानी प्रॉपर्टी अगर हम फोर पे बात करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम लोग अगर बात करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पाई बाई टू होता है। एक बात और मैं कहता हूं कि जो बच्चा के फॉर्मूला अगर याद हो गया तो ना याद होने का भी एक तरीका और याद होने के तरीका। देखिए साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, तो याद रखना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाय टू होगा। अगर इस फॉर्मूला से मैं डिराइव कर दूं तो क्या होगा, अगर साइन इनवर्स एक्स को हम अगर रोक दे तो आप बोलेंगे कि पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो बहुत मोड़ पर इस फॉर्मूला के भी हम काम लेते हैं, याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स। अगर मैं आप लोग के बीच स्क्रीन पे एक फॉर्मूला और बनाता हूं, इसे यहां से कॉस इनवर्स एक्स और अगर कहें कि पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पर कोई हरज की बात नहीं है। तो ये जरा गोल गोल घेर रहे ताकि आपको दिमाग में दिल में बस जाए, है ना। फॉर्मूला के इस कदर बसाओ कि सांस के हर पल और खून के एक कतरा में फॉर्मूला आपको रक्त के हर एक सांस में, सांस के हर एक धड़कन में जहां भी जाए तो एक फॉर्मूला होना चाहिए। अभी अगर सांस चले तो सांस में से फॉर्मूला निकलना चाहिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। तो वक्त को इंतजार करना नहीं है, वक्त को आप इतना बेहतर ढंग से मेहनत करो कि वक्त आपको गुलाम बन जाए, न कि आप ही वक्त का गुलाम बन जाए। तो इसलिए हमारे साथ बनने का प्रयास करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाय टू, प्लस में प्लस ऊपर डिग्री माइनस में, एक बार इसको ऊपर डिग्री तो फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से आप लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए अगर इसमें हम देखेंगे तो एक हम लोग पढ़ेंगे tan inverse x plus cot inverse x बराबर pi by 2, यहां से हम लिखेंगे tan inverse x plus cot inverse x बराबर होता है pi by 2। ये आप लोग पढ़ेंगे, बहुत खास फॉर्मूला है, एकदम इसको झकास अंदाज में इसको रंग दिए, tan inverse x plus cot inverse x बराबर pi by 2। अब इसको ऊपर ही लेके हम लोग चलते हैं, अगर इसको ऊपर ही अगर लेके हम लोग चले तो क्या होगा छोटू, जे देखो tan इनवर्स x बराबर pi by 2 माइनस cot इनवर्स x, ये आपका हो गया तीन से फार्मूला। एकदम समझ लो कि इसमें टाइम एक्सटेंड करें ताकि याद हो जाए। अगर मैं cot इनवर्स को रोक लूं, cot इनवर्स को रोक लूं तो हमारे पास आ जाएगा pi by 2 माइनस tan इनवर्स x, यस। तो इस तरह से एक फार्मूला और निर्माण हो चुका है, तो आप तैयार हो जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, और टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। तो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया से आपको पढ़ने की जरूरत है, खुद ही को कर इतना बोला तो खुदा खुद से पूछे बता बंदा तेरी रजा क्या है। आप इतना मेहनत करें कि भगवान आकर पूछे आपसे कि अगर आपको क्या चाहिए तो दम आप खुश होकर बोलिए भगवान अभी हमको कुछ ना चाहिए, हमको 5 डिग्री चाहिए, है ना। मन में कुछ और बस सोना कि हम दूसरा चीज खोज। तो याद रखिए tan inverse x plus cot inverse x बराबर pi by 2 plus ऊपर डी माइनस, अभी किसको ऊपर डी किस, एक बार इसको भेजे एक बार इसको भेजे फॉर्मूला का निर्माण। अब अगर हमारे साथ बनते हैं तो जरा सा क्लियर करके देखें, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर चार था, अभी प्रॉपर्टी चार में ही चल रहे, प्रॉपर्टी नंबर चार में ही हम चल रहे हैं आप लोग के बीच, तो जरा सा देखेंगे एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, वहां तक लॉक ना चाहिए पाई बाय 2, वेरी गुड। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग दो फॉर्मूला की आर उत्पत्ति करेंगे। तो इसमें अगर sec इनवर्स x को रोक देते हैं हम लोग, sec इनवर्स x को रोक देते हैं तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला और बन गया, उसी आधार पर
अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स को रोक दूं, कॉसेक इनवर्स एक्स को रोक दूं, तो पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। तो इस तरह से याद रखने के सबसे सिंपल है, तीनों फॉर्मूला है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, इसका मतलब याद रखना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, टाइम चेंज कॉट में, कॉट चेंज टाइम में, यानी टाइम इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। उसी तरह याद रखना सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में, इसलिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। लेकिन गारंटी है कि ये सवाल में से अगर एक नहीं आया तो हमको पढ़ाने पर दिक्कत होगा। आपका बोर्ड में इसमें से छपा हुआ, आप तैयार हो जाए, इसको कितना बढ़िया से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो हम समझते हैं कि P4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम चले तो ये आपका एक जनरल सा सूत्र था, इसे आप लोग याद रखिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है जिसके बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5 में साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा, पहले एक आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एकरा भी रोकते हैं टैन इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद आएगा आपको कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं थोड़ा कलर इसको जरा सा चेंज कर देता हूं। देखिए एक आएगा आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स और एक आएगा आपको कॉट इनवर्स माइनस एक्स और एक आपका आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सबसे बड़ी बात कि आपको याद कैसे होगा, तो साइन टैन कॉसेक रेंज जिस तरह से याद किए थे साइन टैन कॉसेक, तो साइन टैन कॉसेक में लगा देना बकुआ माइनस, साइन टैन कॉसेक में लगा देना बकुआ और बकनी गोगी प्लस, और याद रखना कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक के सम में लगा देना कोजी, सॉरी उल्टा बोल दिया बाबू, नहीं ठीक था एक्सट्रीमली रियली सॉरी, सही। देखिए तो एक बात याद रखें, साइन इनवर्स में माइनस, टैन इनवर्स में माइनस, कोसेक इनवर्स में माइनस, जी है वही छाप दा, तो योगले साइन इनवर्स एक्स, योगले टैन इनवर्स एक्स और योगले आपके कोसेक इनवर्स एक्स। और हम उम्मीद करते हैं कि याद हो, कॉस कॉट सेक में सब कुछ वही रहेगा, आगे पाई लगा देंगे, आगे पाई लगा देंगे, माइनस वो लगाएंगे, बताइए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, आई हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, आई हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और इस तरह से आपका फॉर्मूला का उत्पत्ति हो गया। तो हम पक्का उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप लोग एकदम घेरा लगा को याद कर लें। एक गाना सुने हैं कि कुछ ना समझ में आए तो मैं क्या करूं, तो कुछ ना समझ में आए तो घेरा लगा को याद कर। जनरली अगर आपके पास इतना वक्त कम है कि जो बोल रहे हैं उसको खाली पचाते सके, तो याद रखिए साइन टैन कोसेक में अगर इनवर्स है, आगे माइनस लगा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आगे माइनस लगा दीजिए। अगर कॉस कॉट सेक है, कॉस कॉट सेक है तो सब में पाई है, पीछे लगा दो माइनस, यानी माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से आप लोग को फॉर्मूला पांचवा नंबर प्रॉपर्टी की ओर हम लोग पहुंचे। तो आप तैयार होते हैं, बहुत बहुत ही बेहतर ढंग से आपको चलेगा और काफी खूबसूरत फॉर्मूला की ओर हम लोग चल रहे हैं। आप लोग नाम एक्टिविटी के साथ पढ़े, कम वक्त है, कम समय है, जो भी पढ़े दिल से पढ़े, एकदम सोच समझ के पढ़े, कर्मठ होकर पढ़ने के लिए तत्परता दिखाए। तो हमको लगता है फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, साइन टैन कोसेक आगे माइनस लग जाए, उसी तरह इसमें आपका हो जस्ट लाइक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर। अब हमारे पास एक और आता है प्रॉपर्टी नंबर 6, आ जाइए आपके स्क्रीन पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 से पहले आप लोग एक फॉर्मूला की उत्पत्ति करना होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 से पहले साइन 2 थीटा आप लोग पढ़े होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही बताइए आप लोग पढ़े हो। अच्छा एक बात बता दो, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा और बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, शायद आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसी तरह से आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम लोग कहते हैं 2 कॉट थीटा और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक दिन हमारे साथ बोर्ड पे बनेंगे। साइन 2 थीटा के तीन फॉर्मूला लिखाया गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
sin 2 theta 2 tan theta बटा 1 plus tan square theta, sin 2 theta 2 cos theta बटा 1 plus cot square theta। जो बच्चे 11 क्लास का भी वीडियो अगर देख रहे, जो बच्चे 11 क्लास से पढ़ते हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बेनिफिट होगा, लेकिन ये खास करके 12 क्लास के बच्चों के लिए। तो आप यहां से देखिए, यहां से फार्मूला कैसे उत्पन्न होता है। यहां से हम पहला लिखेंगे 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं sin थीटा को x, sin थीटा को क्या मान x, तो ये आपको sin थीटा x जैसी मानेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे सर? तो बताओ sin थीटा को हम x मान लेते, तो x माने तो होगा 2x, और cos के फार्मूला रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। आप एक बार कल्पना करके देखिए, इसको हम अगर मान लेते हैं cos के फार्मूला नहीं जानते तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दें, तो ये होगा 2x और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हमने sin थीटा को माना है x, इसलिए फार्मूला हो गया 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि फंक्शन का डिजाइन है, क्या होगा इनवर्स। तो जनरली आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अगर मैं आपको कहूं 2 sin इनवर्स x का सूत्र और क्या हो, 2 sin इनवर्स x इस तरह cos इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 2 cos इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, वही फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि अगर हम cos के मान लेते हैं, अगर हम cos को मान लेते हैं थीटा, यानी अगर हम कहें cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x, तो यहां पर तो हो गया sin 2 थीटा और बराबर 2 cos थीटा के मान x, और sin को बदल देंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। फंक्शन ऊपर डिवाइड कीजिए, इनवर्स हो गया। इसलिए याद रखेंगे कि 2 sin इनवर्स x का सूत्र sin इनवर्स 2x अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 2 cos इनवर्स x का सूत्र sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो दो फार्मूला। अगर मैं आपको कह दूं कि बताओ तो छोटू 2 tan इनवर्स x बराबर का क्या होगा, तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से फार्मूला कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर हम मान लें tan थीटा को x, तो 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, फंक्शन ऊपर इनवर्स हो जाएगा। क्रैश कोर्स में भी फास्ट चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको कह दूं कि अगला क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 2 cos इनवर्स x का सूत्र एक्स्ट्रा लेने कि sin इनवर्स 2x, क्या बोलो 2x और बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो ज्यादातर आप बुक में यही तक देखोगे तीन फार्मूला, ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक फार्मूला कर दिया गया है। तैयार रहिए, कभी अगर गलती से बोर्ड वगैरह में पूछ ले तो ये कोई नहीं कहे कि हम नहीं पढ़े हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6, यानी आप फॉर्मूला को याद कर ले बहुत अच्छा रहेगा, आप खूबसूरत बच्चे बने। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 cot इनवर्स x, सब में sin इनवर्स x है। जो बच्चा ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो ऑटोमेटिक आपका ये याद हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर ले, P6 यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग को क्लियर हो। ओके, चलिए अगला अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, तो सबसे पहले छोटे छोटे फॉर्मूला को आपको याद करना हो। बताओ cos 2 थीटा के सूत्र पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पढ़े होंगे। उसी तरह cos 2 थीटा के एक और सूत्र पढ़े होंगे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े होंगे, cos 2 थीटा बराबर सूत्र पढ़े होंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे, ईमानदारी से बोलिएगा आपका पढ़े। उसी तरह से अगर मैं कह दूं कि cos 2 थीटा के क्या सूत्र होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, ईमानदारी से अगर पढ़े होंगे घर के तार। उसी तरह एक और हम कहते हैं कि cos 2 थीटा के सूत्र और बताओ होगा, तो एक सूत्र आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, बातचीत नहीं करेंगे, बटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े हैं, जनरली पढ़ाया गया हो। तो चलिए 11 क्लास की बात था, अब जरा हमारे साथ बात बनाए। तो यहां से फॉर्मूला उत्पन्न चालू कर दीजिए, पहला फॉर्मूला की ओर हम चलेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाए, ध्यान से पढ़ने का आपको प्रयास करेंगे। जो बच्चे क्लियर करेंगे बहुत बढ़िया कर जाएंगे। तो देखिए, तो छोड़ो
अगर हम कॉस थीटा इसको अगर एक्स मान ले, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे बोले कि कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो पहला नंबर बोलो टू कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस थीटा को एक्स मान ली तो हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। देख लीजिए टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस सूत्र से आपको बना दिए। अच्छा अगला अगर हम कह दें कि टू साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो आप बोलेंगे कि सर कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, कैसे? देखिए साइन थीटा को एक्स मान ले, साइन थीटा को एक्स माने तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, अभी फंक्शन पर इनवर्स हो जाएगा, क्लियर हो गया बात को? अगर हम अगला देखते हैं तो यहां से बनाते हैं टाइन थीटा को एक्स मान ले, ये हमारे पास हो जाएगा टू टाइन इनवर्स एक्स, टू टैन इनवर्स एक्स, बोलिएगा टू टैन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र आपको बनाते जा रहे हैं, इसे बना दे। इसको अगर बोलिए तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए तो छोटो अगर यहाँ पर हम कह दें कि टू कॉट इनवर्स एक्स, तो आप बोलेंगे कि कॉस इनवर्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का सूत्र बनते जा रहा है, आप में से जो भी बच्चा अगर सीखना चाहे बेहतर ढंग से सीखिए, उम्मीद में विश्वास में करता हूँ कि इस टाइप के फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि अगला वीडियो में जो हम लाएंगे पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, तो जरूर हम समझ में हमें समझ में आ रहा है इस लेवल का फॉर्मूला आप लोग याद करते चले गए होंगे। इस तरह से कई फॉर्मूला आपको हम बनाते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखें, है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर सात में उम्मीद करता हूँ कि पूरा के पूरा समझ गई होंगे। तो चलिए इस फार्मूला से ही इसको उत्पन्न कर लो, आओ आ जाइए जरा सा थोड़ा सा विचार अगर करते हैं तो आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे टैन टू थीटा, टैन टू थीटा के फॉर्मूला होता है टू टैन थीटा और बटा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। उसी तरह कॉट टू थीटा के सूत्र पढ़े होंगे, कॉट टू थीटा के भी हम लोग सूत्र पढ़े होंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा टू कॉट थीटा, ये सूत्र पढ़े होंगे। यानी अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टी नंबर आठ, प्रॉपर्टी नंबर आठ क्या प्रॉपर्टी नंबर आठ है भाई? तो देखिए अब यहां पर हम अगर मान लेते हैं एक्स, तो टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि टू टैन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स सीधे सीधे 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। मात्र हम आपको कम टाइम में फॉर्मूला को रिवीजन करा रहे हैं, बस यही चीज है, एक क्रैश कोर्स नवरा ना रेगुलर कोर्स हो रहा, बेस्ड ऑन फॉर्मूला को याद रिवीजन करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं कि आप इसको जरा याद कर लीजिए। अगर मैं अगर कहूं कि इसको ऊपर ही भेज दे, तो सपोज कॉट में है तो हम बोलेंगे टू कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा टू एक्स, इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर आठ याद हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूला से मैंने इसको ड्राइव कर दिया, वही आपको हमने लिखा, तो पी प्रॉपर्टी आपका आठ हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर नौ पर बात करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर नौ में आप सबसे पहले आएंगे कि साइन थ्री थीटा के फॉर्मूला पढ़े हैं, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, याद रखेंगे। अगर मैं कहूं कॉस थ्री थीटा तो याद करेंगे सिंपल तरीका, इसको साइन वहां कॉस कर दो, जहां माइनस वहां प्लस कर दो, साइन वहां कॉस कर दो और जहां माइनस वहां प्लस कर दो, प्लस वहां माइनस कर दो, यानी आपका हो गया फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। यहां पर आ जाइए, अगर मैं कहूं टेन थ्री थीटा के बताइए, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। जिसको कॉट को याद करना है तो एकदम सिंपल है, कॉट थ्री थीटा के कहेंगे तो जहां टेन वहां कॉट कर दो, जहां प्लस वहां माइनस कर दो, तो यहां पर इसको हम लिख देते हैं जस्ट लाइक कि कॉट क्यू थीटा माइनस थ्री कॉट थीटा और बटा थ्री कॉट स्क्वायर थीटा, थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस तरह से आपको त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थ्री थीटा से थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा,
कॉस थ्री थीटा और फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब उसी तरह से यहाँ पर टेन थ्री थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और इसी आधार पर बनाते हैं। साइन याद है तो कॉस अपने से, टेन याद है तो कॉट अपने से। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर नौ के पहला, अगर मैं कहूंगा थ्री साइन इनवर्स एक्स, मैं कहूंगा दूसरा नंबर थ्री कॉस इनवर्स एक्स, मैं कहूंगा तीसरा नंबर थ्री टेन इनवर्स एक्स, और मैं कहूंगा चौथा नंबर थ्री कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान से देख ले, अब बताओ छोटू यहां पर खाली लिखते चल रही है एक्स, यानी भेजियो प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की फॉर्मूला तैयार हो, जहां साइन है वहां पर x की, उसी तरह ओकरा लिखिए, तो एकरा लिखेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, उस तरह इसको लिख दीजिए 3x, यानी यहां से लिखेंगे कि tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, बस फॉर्मूला उसको याद रखना। तो यहां लिखेंगे cot इनवर्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स बटा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम तो एक ही चीज कहेंगे बबुआ कि कौन बच्चा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद कर लिया है, और जो त्रिकोणमिति याद कर लिया इसका मतलब उसको इनवर्स याद हो। तो एक मिनट की बात में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ट ऑन है, फॉर्मूला को किसी भी हाल में आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर दीजिए, मैं एक जगह एकत्रित कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर हो, है ना। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा बेहतर ढंग से, है ना। जैसे वीडियो को मैं अपलोड करूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले, या वीडियो को बार बार देखते रहे कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा हमने प्रॉपर्टी नंबर शायद नौ बताया, अब आपका प्रॉपर्टी नंबर आपका हो जाएगा दस, प्रॉपर्टी नंबर दस, यहां से आ जाइए जरा सा, साइन ए प्लस बी का सूत्र पढ़े, साइन ए प्लस बी का सूत्र पढ़े होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ध्यान देना अगर आप पढ़े होंगे साइन ए माइनस बी, तो आपको याद होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में होता है कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो कॉस ए प्लस बी भी पढ़े होंगे, तो याद करिए जरा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में होगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन। उसी तरह अगर हम कह देंगे छोटो कि कॉस ए माइनस बी का सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में बोलेंगे साइन ए इंटू साइन। ये फॉर्मूला को रटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आप लोग याद कर चुके हैं, तो हमारे साथ बनते खाली चले। देखिए साइन ए को अगर हम एक्स मान लेंगे, साइन ए को अगर एक्स मान लेंगे तो कॉस साइन बी को अगर बाई मान लेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा, यानी यहां से फॉर्मूला आपको याद करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, फिर यहां से याद आपको करना है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, यहां से याद करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, और यहां से याद करना है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखें, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन ए को एक्स मान लो, अब बी को वाई मान लो, कॉस बी को वाई मान लो, साइन ए को एक्स और साइन बी को वाई मान लो, फॉर्मूला अपने आप बन जाए। तो देखिए साइन ए को एक्स माने तो एक्स लीजिए, कॉस बी नहीं जानते ना बदल लीजिए, तो एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र हो। साइन ए को एक्स मानो, साइन बी को वाई मानो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, सिद्ध करने के तरीका बताने के टाइम नहीं। अब एक फासला सिर्फ एक लाइन का है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, खाली फासला माइनस का। अगर अब हम देखें तो इसमें देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो सीधे याद रखिए cos इनवर्स x by माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया सूत्र,
cos inverse x plus cos inverse y, बराबर cos inverse x y minus root under 1 minus x square into 1 minus y square. और उसी आधार पर यहाँ पर देखेंगे तो cos inverse x y plus root under 1 minus x square into 1 minus y square. इस तरह से आपका एक फॉर्मूला कर याद करना पड़ेगा बाबू, याद करना पड़ेगा. सांस के हर पल में, खून के एक कतरा में इन वंस का फॉर्मूला को बसा लो, तभी आपका आपका मैथ अपना होगा, नहीं तो मैथ सपना होगा. ये सिर्फ हम रिवीजन के तौर पर लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद करें, याद करें और याद. प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया क्लियर. प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 11 की बात करूं तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ए प्लस बी का सूत्र है टैन ए प्लस टैन बी और बटा में वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, टैन इंटू टैन. अब यहां से फॉर्मूला और आएगा, टैन ए माइनस बी का सूत्र टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी और बटा में आएगा वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए टू टैन. अब ध्यान से देखिएगा, यहां से सूत्र और आएगा कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का सूत्र याद रखे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए. थोड़ा ध्यान रखना है छोटू, अगर मैं कहूं कॉट ए माइनस बी का सूत्र बताओ तो याद रखना कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस में वन बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए, याद रहेगा तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो हकीकत में आप खराब बच्चे. अब आ जाइए, यहां से फॉर्मूला बनेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई. लेकिन याद रखिए दोनों x और y का गुणनफल हमेशा x by less 1 होगा, 1 से छोटा रहता है तभी फार्मूला लगता है. अगर आपको गलती से मैं आपको कहूं tan inverse x plus tan inverse y तो pi plus b फार्मूला होता है x plus y और बटा 1 minus x into y, लेकिन ये तब फार्मूला लगता है, याद रखेंगे ये तब फार्मूला लगता है जब x by का गुणनफल 1 से बड़ा होगा, है ना. तो एक्स वाई लेस देन अगर वन, वन से छोटा रहेगा हमेशा, इस फॉर्मूला को लॉन्च करें यानी एंगल का गुणनफल यानी वन से छोटा रहेगा तभी फॉर्मूला लॉन्च करें, लेकिन एंगल का गुणनफल वन से बड़ा आ जाएगा तो हमेशा याद रखे इस फॉर्मूला के आगे पाई लगा दीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शन इसी से मिलता है. तो याद रखे जो भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मिलेगा इस पर है, लेकिन आप लुसेंट पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है ना. तो चलिए, बहुत सुंदर बच्चे आप लोग हैं, बढ़िया से देख रहे हैं. आप बताओ टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, हम एक ही चीज करेंगे थोड़ा पास पढ़ाकर फॉर्मूला को रिवीजिंग करा लें. टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई के आप नाम सुने हैं, तो अगर मैं लिखूंगा तो आप लिखिए टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई लिखेंगे, है ना. tan inverse x minus tan inverse y by tan inverse x minus y बटा 1 plus x into y होगा, याद रखेंगे. अगर मैं आपको कह दूं कि cot inverse x plus cot inverse y का सूत्र बताइए, बस फार्मूला याद रखो बबुआ, जो बबुआ और बबनी के फार्मूला याद हो गया त्रिकोणमिति के, मतलब याद हो गया इनवर्स का, कुछ हम कर रहे हैं खाली x y मान के ऊपर काम चला दें तो हम आपको फॉर्मूला को सिद्ध नहीं कर रहे हैं. रेगुलर और क्रैश कोर्स पढ़े होंगे तब देखे होंगे कि चंद्रा मास्टर कितना बेटर ढंग से पढ़ाते हैं. ये अगर रेगुलर कोर्स में पढ़े होंगे तो करवा हाई महीना तक मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक लेवल पे मैंने बात किया था. तो यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का सूत्र वहां सूत्र हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस वन बटा सीधे सीधे बाई प्लस एक्स, और एक आपका फॉर्मूला आ गया कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई, तो सीधे खाली लिख देंगे बाबू कॉट इनवर्स एक्स
आई एस फाइव प्लस वन बटा वाई माइनस एच, यानी बबू और बबली थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो समझ लो कि फॉर्मूला को मैं रिवीजिंग करा दे रहा हूं। आप देखिएगा एग्जाम सेंटर में जो बच्चा फॉर्मूला बेस्ट याद करके जाता है, मैं आपको बता दूं बिहार बोर्ड या बोर्डिंग लेवल पर कोई भी एग्जाम होता है लगभग टेंथ क्लास या ट्वेल्थ क्लास का बोर्डिंग लेवल पर जो एग्जाम होता है तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन यही कंपटीशन में जाइएगा तो गजब गजब का कॉन्सेप्ट ढूंढ ढूंढ के देगा। बिहार बोर्ड का सोच चाहे यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, उसमें बिहार सरकार या यूपी सरकार का यह सोच कभी नहीं डेवलप होता है कि हम बच्चों को फेल करें, उसका सोच होता है कि सबको पास करें। कुछ बच्चे में ही दिमाग का कमी होता है या पढ़ता नहीं है, उस कारण बच्चा फेल होता है। बिहार बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों को कोई फेल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोर्ड बदनाम हो जाता है। लेकिन यही अगर आप ऊपर जाइए कंपटीशन में तो सभी का सोच होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा को फेल करो, क्योंकि सब पास हो तो नौकरी करा मिले। एक नाम है कि जितना पास करो कोई दुखद की बात नहीं है। तो हम हर बार एक चीज कहते हैं, बेहतर ढंग से फॉर्मूला को याद करो, दुनिया आपको याद करेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। सोच बदलो, पॉजिटिविटी अंदाज में घर पे पढ़ने का प्रयास करो। जब भी वीडियो की अगर देखते हैं आप तो एक ही चीज दिमाग में मोटिवेट करके पढ़े, दूसरा कोई वीडियो नहीं देखे। आकर जाकर के वीडियो देखते हैं बच्चे लोग और ये वीडियो को नहीं ध्यान से नहीं देखे। इस वीडियो के देखते समय स्लाइड करके दूसरा वीडियो के देख लेगा जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा, मिर्चाई तनी मनी डाला रहे, धनिया मिर्चा उसको देखेगा। हम एक ही चीज करें बेस्ट ऑन सिर्फ पढ़ाई पे बात करो, तो इसलिए कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। आप तैयार हो जाए, हम तो कुछ ऐसा कर दिए कि अगर हम चल भी जाएंगे धरती पर से तो हमको कई गांव लोग याद करेंगे। आप भी तैयार हो जाए कि आपको भी याद करें भविष्य में। चलिए तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर मैंने आपका बताया 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 बताया। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 12 पे, प्रॉपर्टी नंबर 12 पे एक फॉर्मूला हमारे पास है, टेन ए प्लस बी का सूत्र पढ़े होंगे, टेन ए प्लस बी प्लस सी याद करिए। ये सूत्र आप पढ़े होंगे तो लिखाया गया होगा, यही पर मैं लिखता हूं, चाहे यही पर लिख देता हूं क्योंकि बड़ा फॉर्मूला। यहां पर हम बताएं कि टेन ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र आप याद कर ले कि इसका मतलब होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन बी और प्लस टेन सी, और माइनस में हम बताएंगे कि टेन ए टेन बी टेन बी इंटू टेन सी। याद रहेगा, याद रखिए आप लोग, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, बटा में बोलेंगे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी माइनस माइनस टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन सी इंटू टेन ए, जहां से अंत हो रहा वहीं से चालू हो रहा है फॉर्मूला। एक बात और मैं बता दूं, बुक में नहीं लिखता है कि इसका कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आप लोगों को हम बता देते हैं, थोड़ा ध्यान में रखें, खास करके एनसीईआरटी बुक नहीं लिखता। यही से देखिएगा, अगर मैं आपको कह दूं कि कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो जहां टेन है वहां कॉट कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया। तो देखिए टेन को कॉट में बदलना है लेकिन प्लस को कुछ बदलना माइनस में, माइनस को प्लस में, तो यानी हम लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस माइनस लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट सी, फॉर्मूला देखिएगा और बटा में बोलिए यहां से। तो एक ना लिखेंगे कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस ए प्लस, यहां लिखेंगे कॉट सी इंटू कॉट ए माइनस वन। याद करने का तरीका, जो बचवा याद कर लिया है फ्री में याद हो जाएगा, जहां टेन है वहां कॉट कर दो और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। तो ये प्लस है देखिएगा, पहले ये माइनस है तो आगे कर दिए प्लस, ये सब में लगाते चलेंगे माइनस। तो फॉर्मूला बेस्ट याद करने का तरीका यही है कि जहां टेन है वहां कॉट कर दे, जहां प्लस है माइनस कर दे, माइनस वहां प्लस कर दे। अच्छा, एक तरह से हमको फॉर्मूला बनाने का मूल उद्देश्य, देखिए इसे फॉर्मूला कैसे बने, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जे और बराबर यहां से लिखेंगे कि टेन इनवर्स
देखिए टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बटा वन माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड। फॉर्मूला तो पढ़ो तुरंत ही याद हो जाता है, लेकिन बात यही है कि फॉर्मूला से पहले त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला याद करो। अगर त्रिकोणमितीय याद हो गया ना तो फिर ये भी याद करो। तो अब बताओ जैसे जैसे है रख दी tan a को मान लिया x tan b को y tan c को, बाकी तो प्रूव हमने आपको करके बताया। यहां से देखिए बढ़ाओ थोड़ा सा, तो मैं अगर कहूं cot इनवर्स x plus cot इनवर्स y अब प्लस में cot इनवर्स j, तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। cot इनवर्स मूल तो चल गया, ये कर रख दीजिए x by z minus x minus y minus j बटा सीधे सीधे x by सीधे सीधे क्या लिखें x by plus y z plus z x minus y, ये हो गया भगवा फॉर्मूला। तो हम मिला जुला के 12 प्रॉपर्टी तक पहुंचा दिए। अब जरा सा थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ही बारीकी से देखिएगा, हर मोड़ पर आपका काम आएगा, जिसका नाम है कोर्डेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, और दूसरा नाम इसे पाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बुक लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के हम बताएंगे, थोड़ा देर में हमारे साथ लगातार बनेंगे अंत तक, मजा और स्प्राइट फ्रूटी सब आ जाएगा बेटा, ध्यान से खाली देखो। देखो जो क्लास को छोड़ा वो पछताएगा इस सब चीज को, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर हम चलते हैं 13 नंबर, तब प्रॉपर्टी अब समाप्त कर, प्रॉपर्टी अब समाप्त कर। अब देखिए यहां से छोटा सा हम आपको डायग्रामली बताएंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक आपको हम वर्टिकल लाइन लेते हैं ऐसे। चलिए तो यहां पे आपको बनाएगा 0 डिग्री, यहां जैसे जाएंगे तो 90 डिग्री, यहां पर आएंगे तो 180 डिग्री, फिर नचेंगे तो ये हो जाएगा 270, फिर नचेंगे तो फिर 360। बाकी डिटेल में कहानी कहा हुआ, देखिए एक हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, एक सेकंड बोलते हैं, एक थर्ड बोलते हैं, और इसको हम फोर बोलते हैं। थोड़ा सा केयर करिए, एक वो हम लोग के सिंपल में था कि ऑल ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव, और एक में कहते हैं कि साइन थीटा और कोची बाबू साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, एक में आते हैं तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और एकरा में आएंगे तो cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, ध्यान में रखें पॉजिटिव। एकरा में अगर हम कहेंगे तो sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, अगर इसमें देखें तो tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव। याद रखने के सिंपल तरीका, आओ सनम तुम्हें सिनेमा दिखाते, सिंपल में याद रखें, आओ सनम तुम्हें सिनेमा दिखाते, तो आओ मतलब आओ, सिनेमा एस से चालू तो साइन आएगा उल्टा कॉस है, आओ सनम तुम्हें तो तुम्हें मतलब टाइन ऑफ कॉ सिनेमा दिखाते, आओ सनम तुम्हें सिनेमा दिखाते, आओ सनम एस से चालू सिनेमा सी से चालू, आओ सनम तुम्हें सिनेमा दिखाते, समझ गए ना, बोलिए शॉर्ट में याद रखिए, आओ सनम तुम्हें सिनेमा दिखाते। एक हम लोग बोलते हैं कि एक में 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, एकरा में जब आएंगे तो 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा, और एकरा में 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा, और एकरा में 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा। याद रखेंगे 0 से बड़ा 90 से छोटा फर्स्ट में, फिर बोले 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड में, 180 से बड़ा 270 से छोटा थर्ड में, और उसी तरह कहेंगे 270 से बड़ा 360 से छोटा तो कौन में होगा फोर्थ, याद रहेगा बोलो, कि ये आपको जनरली आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने की सिंपल तरीका, फर्स्ट चतुर्थांश में 0 से बड़ा 90 से छोटा, सेकंड में 90 से बड़ा 180 से छोटा, थर्ड में 90 180 से बड़ा 270 से छोटा, इसमें 270 से बड़ा 360 से छोटा, याद रहेगा। तो कहिए किस तरह 180 डिग्री कहा, तो 180 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री हो 360 डिग्री हो अक्ष पे होगा, यानी 0 90 360 180, याद रखना 0 90 180 270 360,
यानी 0, 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, 270, 360, ये रहेगा अक्ष पे, याद रहेगा अक्ष पे। ये जनरली सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करें सर, आप तैयार रहेंगे कैसे बदलाव आता। दूसरा बात इसमें याद और रखिए एक बात को, 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस थीटा हो, एकरा साथ बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा, यानी आपको चेंज करेगा, चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, तो याद रखना है कि साइन थीटा मूव करेगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा मूव करेगा साइन थीटा में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। उसी तरह याद रखना टैन थीटा चेंज करेगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज करेगा टैन थीटा में, और उसी तरह लास्ट याद रखना सेक थीटा चेंज करेगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा चेंज करेगा सेक थीटा। तो ये जनरल सी बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। याद रखने योग्य बात, 90 प्लस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा चाहे 270 प्लस थीटा चाहे 270 माइनस थीटा, क्यों चेंज होता है रेगुलर कोर्स में बताएं, ये बदल जाता है। अब एक बात और याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये जो आप देख रहे हैं नो चेंज, सीधे सीधे नो चेंज, एकरा में आप बढ़ा सकते हैं 360 प्लस थीटा। एक आपका एक डायग्राम भी हम बता दिए, कैलकुलस में कई मोड़ पर इसका यूज इस्तेमाल करेंगे बहुत जगह पर। एक चीज हम जो एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत, बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है, देखते हैं हमारे साथ कौन बच्चे सीखते हैं। तो इसके बाद हम वीडियो कॉल करेंगे, फिर हमारे साथ बनेंगे, ये बहुत खास बात है, हर मोड पर इसको इस्तेमाल करेंगे, ये मूव कैसे कैसे करता है बहुत डिटेल में हम लोग देखते, है ना। तो आगे बढ़े, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट बाकी जो करना बढ़िया से देखते रहो, अच्छा रहे, है ना जी। चलिए अब जरा से झकास बात को समझने का प्रयास करें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इतने में सब काम हो जाएगा। इधर रखिएगा इवन पाइप, इवन पाइप, और इधर हम बोलेंगे ओ डबल डी ऑड पाइप। थोड़ा सा फिर से बात, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हम आपको कलर चेंज करके फाड़ देते हैं वर्टिकल। चलिए जरा इसको देखेंगे, यहां पर हम बोलते हैं इवन पाई और इसको बोलेंगे ओ डबल डी ऑड पाई। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पे इसको हम फर्स्ट पहले भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। आप सभी लोग जानते हैं एकरा में क्या होता है, 90 से हम बड़ा की बात करें, 90 से हम बड़ा की बात करें, तो देखिए इवेन पाई यानी एकरा में हम बोलेंगे, सीधे बात को सुनो, इवेन पाई, इवेन पाई ऑड पाई, इसमें कौन कौन बात आएगा आप अभी बता दीजिए हमको। इवेन के मतलब सम, सम मतलब टू से चालू होता है, तो बताओ हम यहां लिख देते हैं यहां पर समझने के लिए कि इवेन पाई माइनस थीटा। देखिए इवेन पाई माइनस थीटा, क्योंकि अगर इवेन पाई प्लस थीटा, लेकिन इसके पीछे के अगर वीडियो में हम देखें थोड़ा सा, हाँ ठीक, देखिए इवेन पाई प्लस थीटा एकरा मतलब हम बोलेंगे टू पाई प्लस थीटा, इसका मतलब हो सकते हैं फोर पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, डॉट डॉट डॉट, यानी कहने के मतलब इवन पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 2020 पाई प्लस आएगा तो इसमें आएगा। फिर इधर अगर हम आते हैं तो यहां सीधे लिखेंगे ओ डबल डी ऑड पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, सब आपको इसमें आ जाएगा। यदि आप समझिएगा पहले का में प्लस तो दूसरा का में माइनस,
पहलका में सम तो दूसरका में बीस। अब यहां पर जरा देखेंगे नीचे थोड़ा, एकरा में खाली लिख देंगे ऑड पाई के जगह यहां औडे रहेगा, ऑड पाई प्लस थीटा लिखेंगे खाली, यानी बोलेंगे पाई प्लस थीटा, फिर बोलेंगे थ्री पाई प्लस थीटा, फिर बोलेंगे फाइव पाई प्लस थीटा। इसी तरह से आप 2021 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। याद कराते हैं, सेकंड में थोड़ा ध्यान हमारे साथ बने। एकरा में आएंगे तो एकरा बोलेंगे इवेन, इवेन पाई प्लस थीटा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इवेन पाई माइनस थीटा। यानी यहाँ पर बोलेंगे टू पाई माइनस थीटा, फोर पाई माइनस थीटा, सिक्स पाई माइनस थीटा, 2020 पाई माइनस थीटा बोले, फिर भी आपको इसी में आए, याद रहेगा। अब जरा गौर करने योग्य बात क्या है कि याद कैसे होगा सर? तो याद करो, हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में और निष्पत्तियां पॉजिटिव, यहां भी याद रखेंगे और निष्पत्तियां पॉजिटिव, इसमें भी आप याद रखेंगे साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। इसमें अगर हम आए थे तो याद था कि टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखने योग्य बात है, यहां पर अगर आए थे तो हम बोले थे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, यही बात पहले का भी है। तो ध्यान रखने को क्या हम जो कर रहे हैं, सुनिए फास्ट जरूर पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसको। देखिए प्रथम में ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव, प्रथम में ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नच जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, याद हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। इस साइड में देखिए इवेन है और उस साइड में आपका ऑड है, इधर याद रखना, इस साइड में इवेन पाई प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा, ऊपर तो प्लस थीटा नीचे तो माइनस थीटा, ऐसे ऊपर तो प्लस थीटा माइनस तो नीचे तो माइनस थीटा, इधर उधर आओ तो माइनस नीचे प्लस। तो याद करने का तरीका प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है बात? बाकी सब प्रोसेस वही है, कहीं कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय 13 पाई बाय कुछ देता है तो बच्चों को समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। अगर इस डायग्राम को आप याद रखते हैं तो मैं पक्का प्रवेश और वादा करता हूं कि समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि वीडियो अगर सही ढंग से बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो देखेंगे, और देखने के बाद पक्का है कि अपने दोस्तों मित्रों भाइयों और बहनों के बीच में इसको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने अपना ऐसा प्रयास किया हूं कि बहुत कम टाइम में बहुत ही खास वीडियो बना दूं। इनवर्स के इतना फॉर्मूला आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद, मिलते हैं, शुभ रात्रि।